हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन से लेके अहमदाबाद यानी कि गैरतपुर तक का पूरा अपडेट। तो ये 7 वीडियो कॉम्बिनेशन रोड्स को मैंने एक वीडियो में कन्वर्ट किया है आपको इजी समझाने के लिए, और आपको जो मई का पूरा अपडेट है वो एक वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो में क्या क्या इंक्लूडेड है, इस वीडियो में इंक्लूडेड है साबरमती बुलेट ट्रेन का स्टेशन, उसके बाद हम साबरमती रिवर पर आएंगे, उसके बाद हम मणिनगर रेलवे स्टेशन पर आएंगे, उसके बाद हम मणिनगर रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे जाके देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे वटवा रेलवे स्टेशन पे। वटवा रेलवे स्टेशन के मैं ऊपर जाके अपडेट देखने वाला हूँ, और उसके बाद हम गैरतपुर वाले सेक्शन पे जाएंगे, और गैरतपुर के एंड में जाके ये वीडियो खत्म होने वाला है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से आ गया हूँ साबरमती रेलवे स्टेशन पे। आपको यहाँ से ये स्टेशन है, और यहाँ से ये अहमदाबाद गांधीनगर की जो एक्टिव लाइन है, और यहाँ से ये पाथ पूरा कनेक्ट हो गया है। ये यहाँ पे इस साइड बन रहा है, ये पाथ यहाँ से अभी यहाँ पे पिलर्स के और पाइल्स के वर्क चालू हो गए हैं। बस पाइल्स के वर्क यहाँ पे और यहाँ पे बाकी हैं, ये दोनों यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और ये फुट ओवर ब्रिज पूरा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। फ्रंट में भी कनेक्ट हो गया है, और फ्रंट वाला सेक्शन भी पूरा हो चुका है। फ्रंट में तो जो आपको स्कल्पचर, जो गांधी जी की मूर्ति भी आपको दिखाई दे रही होगी, और अलग अलग इंडियन फाइटर्स की भी वहाँ पर स्कल्पचर तैयार हो गए हैं। गाइस थोड़ा इस साइड जाके देखते हैं कि किस प्रकार से साइड वाले एंगल में भी काम हो गया है। चलिए ये देखिए, साइड वाले व्यू से इस प्रकार से दिख रहा है, और साइड वाले व्यू यानी कि जो अहमदाबाद सिटी है उसका फ्रंट साइड वाला व्यू। तो इस यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको स्कल्पचर की ओर से दर्शाया गया, और कितना शानदार लग रहा है दोस्तों। अगर आप इसको कैमरे से देखेंगे और लाइव आंखों से जाके देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, और कितना शानदार लग रहा है ये। आज मैं आ गया हूँ साबरमती नदी पे, और यहीं पे बुलेट ट्रेन का अपडेट देखेंगे कितना काम हुआ है, क्या हुआ है। यह है साबरमती नदी, ये अहमदाबाद के बहुत ही सेंटर में से बहती है, और जो अहमदाबाद मुंबई का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि साबरमती नदी अहमदाबाद को दो पार्ट में डिवाइड करती है। वहाँ से जो वाला पार्ट है वो अहमदाबाद का मेन सेंटर है, और यहाँ से ये साबरमती ब्रिज है। जैसे ही आप इसको पार करेंगे यहाँ पर साबरमती स्टेशन आ जाएगा, और वही साबरमती स्टेशन जहाँ की इंडियाज़ का फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने वाला है, वहाँ से ये वाली लाइन है। और ये देखिए, ये है साबरमती नदी। साबरमती नदी का ही आप लोग ने अपडेट मांगा था, तो यही मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे वो पाइल्स वाला सेक्शन नहीं बन रहा, यहाँ पे पूरी रिवर को कवर कर दिया गया है, और किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो मुझे पता नहीं है, आप खुद ही वीडियो में गैस कर लेना। ये देखिए, हाँ यहाँ पे पाइलिंग तैयार की जा रही है, और पाइलिंग के बाद टेस्टिंग भी होती है। पाइल टेस्टिंग यानी कि वो लोड सह सकता है कि नहीं, वही सबकी टेस्टिंग हो रही है। तो गाइस अब मैं साबरमती जो ब्रिज है इंडियन रेलवे का उसके ऊपर आ गया हूँ, और वहाँ से आपको अपडेट दूंगा। यहाँ से आपको क्लियर अपडेट दिखेगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से पूरी रिवर को कवर कर लिया गया है, और यहाँ पर पाइलिंग और टेस्टिंग का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये साबरमती मैं ब्रिज के ऊपर आ गया, और वहाँ से आपको अपडेट दे रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से अभी मैंने टेस्टिंग देखा कि पाइलिंग के बाद टेस्टिंग कैसे होता है, किस प्रकार से टेस्टिंग किया जा रहा था। ये क्रेन टेस्टिंग कर रही थी, और टेस्टिंग करने के बाद ऊपर से इतना वर्क कंप्लीट हो गया है, ये ब्रिज बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो पाइलिंग वाला सेक्शन है वो 100% के नज़दीक आ चुका है, और कुछ ही दिन बचे रह गए हैं, उसके बाद यहाँ पे भी पिलर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं बता दूं कि ये काम बहुत ही जल्दी हुआ है जो साबरमती नदी के ऊपर। पहले मैं 2 ही मंथ्स पहले आया था, तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं था, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी पूरा एंड तक, वो देख रहे हैं ना आप, एंड तक पूरा काम हो चुका है। देखिए और ऊपर से कुछ प्रकार से इतना काम हो चुका है। हम बात करें साबरमती अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की, आप देख सकते हैं पहले मैं 3 महीने पहले आया था, और 3 महीने पहले का एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसमें दिख रहा है कि ये जो पिलर्स लगे हुए हैं ये पिलर्स सिर्फ 2 या 3 लगे हुए थे, और ये टेरेस स्ट्रक्चर एक भी नहीं बना हुआ था। लेकिन आज मैं जब आया हूँ मई में, तो आप देख सकते हैं कुछ 10 या 15
पिलर्स के ऊपर से टेरेस भी लग चुका है। और दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद में दोस्तों एक और बात है कि 44 और 43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और फिर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से वर्कर लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। मैंने यहाँ के वर्कर से पूछा, उनने बताया कि रात में भी काम चलता है, और इतनी यहाँ पर जब गर्मी पड़ने के बाद भी बुलेट ट्रेन का काम नहीं रुका हुआ है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, आप पिलर भी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एफ्रॉक्स 10 पिलर यहाँ साइड से दिख रहे हैं और 10 पिलर उसी साइड से, और इसी प्रकार से काम चल रहा है। और ये है अहमदाबाद का 12 नंबर का प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे एंडिंग में ज़्यादा रेलवे स्टेशंस ज़्यादा ट्रेन तो नहीं आती है, लेकिन मैं बता दूँ कि ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन होने वाला है वो होने वाला है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, और ये इंडियन रेलवे की एक्टिव लाइन यानी कि कालूपुर रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है वो हो जाता है। और जल्द ही अहमदाबाद को एक मेट्रो स्टेशन भी दिया गया है, और मेट्रो स्टेशन किसने दिया है, वही अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद को दिया है। और उसी साइड से BRTS भी मिल जाती है, ये आप ऊपर साइड से देख सकते हैं किस प्रकार से एक्सटेंडेड बेस में मैं खड़े होकर बना रहा हूँ, और ऊपर से एक बहुत ही अच्छा व्यूज़ आ रहा है कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और बड़ी बड़ी क्रेन और डिफरेंट टाइप के वर्कर्स और मशीन्स लगी हुई हैं। फर्स्ट पिलर के बाद यहाँ से आप देखेंगे ये है सेकंड पिलर, और ये एक्सटेंडेड हो गया, और पिलर की दोस्तों एक लहर सी लग गई यहाँ से, जितनी दूर तक मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों उतने पूरे पिलर्स लग चुके हैं। हाँ, स्टेशन के उस साइड भी एक्सटेंडेड हो गए, मैं स्टेशन के पीछे साइड तो नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए जितनी दूर मेरा कैमरा जा सकता है, मेरी आँखें जा सकती है, उतनी दूर तक पिलर एक्सटेंड हो गए। और आगे मैंने गैरतपुर वाला भी कवर किया है, वहाँ पर पिलर लग गए, वहाँ पर गार्डर लग रहे हैं, और वहाँ से जब गार्डर ख़त्म हो जाएंगे गार्डर वाली मशीन को यहाँ लिया जाएगा, और ये वाले सेक्शन पे फिर गार्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होगा। आप देखिए ये देखिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ गाइज, ये देखिए मेरी आंखें, मैं जूम करके ही बता देता हूँ, ये देखिए 2, 3, 4, 5 जितनी दूर तक ये कैमरा जूम कर पा रहा है, ये देखो वहाँ तक यहाँ पे पिलर लॉन्चिंग का काम पूरा हो गया है। और मेरा एक पिछला वीडियो भी था, उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से मणिनगर में पहले पाइलिंग का काम चल रहा था, और मणिनगर में कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं था। यहीं पे एक पुराना वीडियो अप्रॉक्स 2 या 3 महीने पुराना होगा, वहाँ पे यहाँ पे आराम से पाइलिंग का काम चल रहा था। आज पाइलिंग वाइलिंग सब कुछ ख़त्म हो गया है, और मणिनगर के बोर्ड है वहीं पर पाइलिंग का काम चल रहा था, यहाँ पर पूरा एक्सटेंडेड पिलर्स लग चुके हैं। तो गाइस ये देखिए मैं आगे से पूरा वीडियो लेके आ रहा हूँ मणिनगर रेलवे स्टेशन से, किस प्रकार से कितना डेवलपमेंट हुआ है बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में। साइड से आप पूरा देखेंगे तो ये पूरा गैरतपुर तक पिलर लग चुके हैं, और यहाँ वाले पिलर मुझे कुछ ज़्यादा हाइट पे लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बुलेट ट्रेन का ट्रैक हाइट पे क्यों बनाया जाता है, कि जो टेरेन होता है उसे सस्टेन कर पाए, उसे मैच कर पाए। कभी ये पिलर्स की हाइट ज़्यादा हो जाती है तो कभी ये पिलर्स की हाइट कम हो जाती है, लेकिन जो ट्रैक की लेंथ और जो ट्रैक का सब कुछ रहता है वो सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, ताकि 320 या फिर उससे ज़्यादा स्पीड को अच्छे से अचीव कर पाए। ये देखिए किस प्रकार से आप जहाँ तक देखेंगे पिलर्स दिखेंगे, मैंने आपको रेलवे स्टेशन से भी बताया था कि जहाँ तक आप देखेंगे पिलर्स ही दिखेंगे, और पिलर्स का काम ये वाले सेक्शन पे कंप्लीट हो गया, गार्डर लॉन्चिंग बाकी है गैरतपुर वाले पे। ये देखिए ये पता नहीं क्या बन रहा है, मेरे समझ में तो नहीं आ पा रहा है क्या है ये यार। L&T का नहीं है, दिनेश चंद्र अग्रवाल इंट्राकॉन का है, कुछ नया होगा ये। तो आज मैं आ गया हूँ पीछे, आप देख सकते होंगे बटवार रेलवे स्टेशन पे ऊपर खड़ा हूँ, और ऊपर से आपको बुलेट ट्रेन का अपडेट देने वाला हूँ। प्लीज़ आप ये देख सकते होंगे कि कैले पाइलिंग का काम चल रहा है, नीचे देखिए मैं ऊपर ही खड़ा हूँ और ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये है बटवार रेलवे स्टेशन, आपको दिख रहा होगा, मैं स्ट्रेट ये जो कैमरा लूँगा यहाँ से पाइलिंग, और आगे देखिए यहाँ पर पिलर्स और गार्डर के लॉन्च हो चुके, और यहाँ पर गार्डर लॉन्चिंग की मशीन भी आ चुकी है। ये बटवार रेलवे स्टेशन है, और साथ में बटवार रेलवे स्टेशन और बुलेट ट्रेन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है साइड में पैरेलल। आपको पता है कि यहीं से वो जो लाइन जा रही है, ये देखिए मैं जूम कर दूँ, ये है बटवा रेलवे स्टेशन। एक सब्सक्राइबर ने डिमांड भी की थी कि बटवा रेलवे स्टेशन का अपडेट लाओ, तो उसके अपडेट भी आ गया है। और ये देखिए पाइलिंग का काम चल रहा है, और साइड बाय साइड ये है बटवा रेलवे स्टेशन, और उसके बाजू में ही ये काम चल रहा है। हाँ, यहाँ पर गार्डर लॉन्चिंग मशीन भी आ चुकी है,
और ये इस प्रकार से कितना शानदार दिख रहा है ये देखिए। वटवा रेलवे स्टेशन से आगे आप पीछे देख सकते होंगे बुलेट ट्रेन का अपडेट ले रहे। और तो गाइज आप ये देख सकते होंगे कि जो कल मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था और जो दिखा था वो आ गया ऊपर। ये गार्डर लॉन्चिंग मशीन है और यहाँ से वटवा से थोड़े ही आगे आते हैं स्टेशन से थोड़ा आगे, तो यहाँ पे पिलर का डेवलपमेंट हो गया और यहाँ पे गार्डर लॉन्चिंग का चल रहा है। ये देखिए मैं जूम करके बता देता हूँ, साइड साइड में ज़्यादा गार्डर लॉन्चिंग तो नहीं हुए हैं लेकिन अप्रॉक्स ये 30 मीटर या 40 मीटर की सिर्फ गार्डर लॉन्चिंग है। यहाँ से अभी आगे तो पिलर वाला काम तो पूरा ही हो गया है। ये साइड से एक अच्छा व्यू आ रहा है और यहाँ से दिख भी रहा है कितनी बड़ी ये मशीन किस प्रकार से गार्डर को लॉन्च करती है। ये देखिए दिनेश इंफ्राकॉन की ये मशीन है और ये नीचे रखी थी कल, इसे आगे ऊपर लाया गया है और बीचकॉन के हिसाब से आप देख सकते हैं ये वो वाइडक्ट वाली मशीन नहीं है। वाइडक्ट वाली वो व्हील से कंप्रेसाइज होती है और वो फिर लॉन्च करती है, लेकिन ये सिंगल सिंगल गार्डर को ऊपर लेके जाती है और इसे फिर जॉइंट करके एक बनाया जाता है। हाँ वाइडक्ट वाली काफ़ी फास्ट है और वो फास्ट इसलिए है इसलिए वो आनंद वाले सेक्शन में एप्लीकेबल है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैंने जितना मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट कवर करता रहा हूँ लेकिन मैंने वाइडक्ट वाली मशीन यहाँ पर नहीं देखी, यहाँ पर यही वाली मैंने मशीन देखी। और ये वाले सेक्शन में बता दूं कि जो L&T वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, दिनेश अग्रवाल एंड लिमिटेड की ये कंपनी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ये वाले सेक्शन में ये अपडेट कर रही है। तो जो L&T ये वाइडक्ट का उपयोग करती है और मेरे ख्याल से ये मैंने अनुमान लगाया कि जो L&T वाइडक्ट का उपयोग करती है और जो दिनेश इंफ्राकॉन है वो ये सिंगल पीस गार्डर लॉन्चिंग मशीन का ये वाले का उपयोग करती है। आप देखिए किस प्रकार से ये एक वर्कर ये ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। और यहीं पे साइड में जो इंडियन रेलवे की एक्टिव लाइन है वटवा वाला सेक्शन है ये वो है। तो कल मैंने आपको बताया था वटवा वाला, आज मैं आपको वटवा से आगे ले जा रहा हूँ और डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ। तो बस रुकिए,